अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई लोगों हम उठ चुके हैं और भाई शूज मैंने किधर पकड़ी हुई आज भाई, शापर नहीं था भाई। जोगर मैंने डाले हुए हैं और स्लीपर मैंने हाथ में रखे हुए हैं, क्योंकि यार जब तक हमारे पास अपना ट्रक प्रॉपर नहीं आ जाएगा लोकल काम करने के लिए, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। ये देखो बैग, अब लोकल के लिए जा रहा हूँ, बैग भी मेरे पास है क्योंकि इसके अंदर पूरा स्पेयर पार्ट है, मतलब के पूरा सामान जमान। भाई अपनी वर्दी आ चुकी है, यूनिफॉर्म आ चुकी है, मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, व्हाट्सएप के चैनल पे। अभी भाई निकल रहे हैं, मेरे पास है जी मित्सुबिशी। ये पता है कौन सी वाली मित्सुबिशी है जो मैं मदीना से लेके आया था? ठीक है, ये बस आज के लिए लोकल के लिए। चल भाई तू उठे जा चाचा, ट्रक का विजिट करा लूं। ये है जी मित्सुबिशी, ये पूरा देख लूं, सामान तो नहीं पड़ा। तो भाई गाड़ी मैं स्टार्ट कर लूं पहले, फिर आपसे बात करता हूं। वैसे इसका पानी देख लेते हैं, बिल्कुल खाली भाई, बिल्कुल खाली। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल खाली। अभी पीने वाला पानी लेके आया था लेकिन इसमें ही डालते हैं अभी। ओ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई। जो भी नया ट्रक लो ना उसका पहले पहले पानी चेक करो, ठीक है? क्योंकि यार इधर हर बंदे के पास डेली नया ट्रक मिलता है ना कभी कभी, तो फिर उसको यही मसला रहता है। अब इसका ऑयल का मुझे नहीं पता कि ऑयल इसका कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम ये देखो भाई मैंने चाबी किधर लगाई थी, देखा नहीं था मैंने, इधर ठोक दी क्या बात है भाई। इसका गियर इधर है, नीचे भी टो चैन और दूसरी चीज़ पड़ी हुई है। तो भाई अगर इसका एसी, हाँ इधर चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है। तो भाई एसी होना चाहिए, बाकी खली वली करो। ये ट्रक है हमारे पास आज का मित्सुबिशी, और भी हम जा रहे हैं, ये है रीफर, इसका तलाजा नहीं चलेगा, फ्रोजन नहीं होगा। तो भाई आज हम दो ट्रक होंगे, मतलब कि हमारे आज दो बंदे होंगे, हमारे पास दो ट्रक होंगे। हम जो है ना इसमें ड्राई लोड करेंगे, उस दूसरे ट्रक में फ्रोजन लोड करेंगे। तो भाई बड़ा काम ख़राब होने वाला है, क्योंकि भाई दो बंदों के जो ऑर्डर होंगे ना, अब मेरे पास तीन कस्टमर हैं, दूसरे ड्राइवर के पास फ़र्ज करो तीन या चार कस्टमर होते हैं, कुल मिला के सात कस्टमर हो जाएंगे। सात कस्टमर पे जाना पड़ेगा अभी दोनों ट्रक को आगे पीछे करके। चलो जा रहे हैं यार, क्या करें, आ जाओ अभी। इसके पांच गियर हैं, छठा जो है ना रिवर्स है, ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। बाकी भाई सफाई शफाई बस गुजारा ही है। तुरपो लो, अभी इधर से निकल रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी कंपनी के अकोमोडेशन से। ये अभी आज सारे ट्रक खाली है, अभी सब काम पे गए हुए हैं, सब काम पे। अब डीजल भी डलवाना पड़ेगा, पहले डीजल नहीं है ना भाई। आज हमारे पास अपना ट्रक तो नहीं है और कैमरे का पीछे भी स्टैंड नहीं है, कैमरा हमने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अब गुजारा करेंगे, क्या करें यार, व्लॉग तो बनाना है आप लोगों के लिए। तो जिसने लाइक नहीं किया भाई, लाइक शाइक माइक टाइक ठोक दो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, फेसबुक चैनल का लिंक, ईमेल एड्रेस, सब चीज़ें भाई डिस्क्रिप्शन में। जाओ जल्दी से लाइक माइक फॉलो शालो ठोक दो भाई पूरा। चाचा क्या हाल चाल है भाई? हाँ जी तमर वाले साहब, तमर वाली गाड़ी आ रही है। तो भाई जो तमर वाली गाड़ियाँ हैं ना, तो हमारे अकोमोडेशन पे आती हैं, यहाँ पे उनकी वर्कशॉप है, और हमारे जो वो है ना वाश वाला एरिया ट्रक वाश का, तो भाई ये हम वहाँ से ट्रक वाश भी करवाते हैं, ठीक है? ये इनका हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, बस यही दो चीज़ें हैं। बाकी हमारी कंपनी ने तो उधर ट्रक भी दिए हुए हैं, वो एक और बात है। तो भी डीजल हमें मिल गया है 40 रियाल का, 1.15 इसका वही रेट है इधर।
भाई अभी अभी डीजल डलवाया, देखो लाइट लाइट चली हुई है, इसका वो जो है ना ख़राब है गेज भाई। ये पता है क्या चीज़ है, ये अभी इस ट्रक के पीछे संदूक लगी हुई है ना, अगर इसके पीछे इस तरह का ये देखो ना सथा लगा होता या दूसरा वाला लगा होता जिस तरह ट्रॉली का होता है, तो भाई ये उसको उठाने के लिए ठीक है। मतलब कि ये जैक है, अगर इस तरह होता ना इसका उठाने वाला होता या उस तरह गुलाब का होता तो भाई उठाने के लिए भाई इसको दबाओ हल्ले मारो ये चलेगा। सीट बेल्ट लगा लूँ। चलो भाई मिलते हैं आगे आपको, वेयर हाउस आ जाओ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं भाई वेयर हाउस। चाचा दरवाज़ा खोली। यार ये मोबाइल भी यार देखो मोबाइल का ना स्टैंड है, न्यू तब भी आए हुए हैं भाई। भाई ये गाड़ी हमारी इंतजार कर रही है, इस पे फ्रोजन लोड होगा, हमारी गाड़ी में ड्राई लोड होगा, देखते हैं क्या हाल वाल है इसका। भाई आज हम ये जैकेट भी पहनेंगे क्योंकि अभी अंदर बहुत आजकल सर्दी हो रही है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना इसीलिए। अंदर सामान जब काउंटिंग करते हैं ना तो अंदर तलाजा चल रहा होता है, वही बहुत सर्दी होती है अंदर, उसके बाद भी सेफ्टी जैकेट। सेफ्टी जैकेट यार मैंने ली थी, साइज़ बड़ा था मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब देखो वेयर हाउस वालों को बोल रहे हैं कि यार माड़ा कोई नई सेफ्टी जैकेट दे दो हमारे को, फ़िलहाल हमने बस गुजारा ही किया हुआ है। ये चेक करो, एक सेफ्टी जैकेट बनवाते हैं, पीछे अपना लिखा होगा हैदर भाई यूट्यूब चैनल, ठीक है। हैं होगी ना अपनी तैयारी। तो भाई अपने ट्रक की लोडिंग हो चुकी है, अभी जो है ना ये लिफ्ट वाला है ठीक है, टेल लिफ्ट वाली, अभी इसको नीचे उतारने का आपको तरीका बताता हूँ। तो भाई अभी ये देखो इसके तीन बटन है ठीक है, ये इसका स्विच है, ये ओपन हो गया ऐसे, अभी इसको ऐसे करना पड़ेगा तो ये वाले बटन काम करेंगे ठीक है ना। ये देखो अभी इसको ऐसे किया ये नीचे जा रहा है, इसको ऐसे ऊपर करूँगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन हमने फ़िलहाल नीचे करना है ठीक है। अभी ये देखो एक सौ ऐसे किया ये ऊपर, अभी दूसरे वाला बटन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है ना। अभी इसको चाबी को ऐसे घुमा देंगे भाई, ये अभी बंद हो गया, ये अभी काम नहीं करेगा। चलो भाई निकलो इधर से, लोडिंग हो चुकी है अभी। अब एक काम खराब हो गया, ये देखो सामने अब ये वाला डोर हमारे लिए ओपन करने पड़ेगा। तो भाई मैं इनवॉइसेस लेके आता हूँ ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। Much later. भैया हम फर्स्ट कस्टमर के पास आ चुके हैं अभी तहलिया मॉल में, देखते हैं भाई हमारी दूसरी गाड़ी भी आई हुई है या नहीं आई हुई। फ़िलहाल आई हुई है। उमर भाई भी पहले आए हुए हैं, शायद वो उतार भी रहे हैं सामान। भैया अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं क्योंकि भी उसका सामान उतर जाए फिर हम भी उतारेंगे सामान। वो गाड़ी उधर सामान उतार रही है। Much later.
भाई हम इधर आ चुके हैं। तो भाई ये पता है कौन सा वाला स्टोर है जो मैंने एक उसमें बताया था ना आप लोगों को कि जो हमारे ड्राइवर ने ड्राइव थ्रू के अंदर ठोकी हुई थी गाड़ी, ये वो वाला स्टोर है। अभी बस ये निकलेगा ना ये वाली गाड़ी, फिर हम इंशाल्लाह इधर लगाएंगे। फिलहाल डबल इंडिकेटर लगाते हैं भाई। भाई हमने भी ट्रक इधर लगा दिया। अभी ये यार दरवाजे का लॉक ही नहीं है यार, क्या करे। ये देखो अभी डोर का इधर लॉक नहीं है और मेरे पास भी कोई रस्सी वस्सी नहीं है जो भाई इसको मैं इधर बांधूं और इधर से सामान ऐसे डायरेक्ट देता जाऊं। तो भाई इसके ऊपर मैं ये देखो छापर बांध रहा हूं। भाई ये मैंने नैलून बांध दिए थे, नैलून कम हो गया भाई, कम हो गया, हो गया। अभी देखो इधर से इधर तक चलो। भाई ये है ड्राइव थ्रू, हमने क्या हमने मंथ का तमिल तंजील बनाया हुआ है, ठीक है ना, लोडिंग ऑफ लोडिंग एरिया। धक्का दे दो। इधर से निकल रहे हैं, नेक्स्ट जो अपना स्टोर है ना तकरीबन 10 से 8 मिनट का रास्ता है। आज भी अपने पास स्टैंड वगैरह नहीं लगे हुए ना, क्योंकि अपना ट्रक नहीं है ना, उसमें तो पूरा सेटअप हुआ पड़ा है कैमरा लगाने का सारा कुछ। इधर से भी देखो ये कार भी खड़ी हुई है, ये देखो ये वाली, इसको भी बचाना पड़ता है हर बार। यहाँ पे भी हमारे ड्राइवर ने ठोकर दी गाड़ी, सीधा जाने दिया। चलो अभी हम इधर से निकलते हैं। जो भाई लास्ट कस्टमर है अपने पास। अब हाँ जी भाई, लाले लाले सारी गड्डी लाले, वाह 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 क्या बात है। भाई ये वाला जो है ना बर्गर किंग, इसकी जो ड्राइव थ्रू है ना बड़ी औखी ड्राइव थ्रू है, लेकिन अब देखते हैं भाई हमें ड्राइव थ्रू के अंदर पूरा नहीं वाड़ना पड़ेगा, चेक करते हैं। वैसे खुद तक कोई इशारा नहीं नजर आ रहा भाई, मैंने इशारा भी लगाया हुआ, वो स्पीड में आ रहा है ये भाई। ओ चेक कर, ओहो चेक कर, हैं ड्राइव थ्रू के अंदर बढ़ गए, चेक कर। क्या बात है मुनादर भाई साहब, हैदर भाई क्या हाल चाल है आपके, आप भाई क्या भाई पक्के ते ठक्के थड़क्के ड्राइवर बन गए हो आप। तो भाई आज मैंने कैमरा किधर रख दिया देख लो अब, हैं अब देखते हैं बेइज्जती होती है या नहीं होती है। ये देखो भाई बीजर से अभी ऐसे निकाल रहा हूँ। खलास ओके थैंक यू। अब भी कैमरा गिर ना जाए जैसे मैंने कैमरा लगाया हुआ इधर। तो भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लो आप। एक चीज़ देखो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, जो टेल लिफ्ट के ऊपर जो वो लगे हुए हैं प्लास्टिक के पर्दे, वो मैंने उस टाइम नीचे नहीं किए थे, अंदर नहीं किए थे मतलब के, ठीक है। अब वो बाहर ऐसे हवा में हिल चुल रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है हैदर भाई आपकी, क्या बात है। क्योंकि यार कब की इस तरह की गाड़ी मैंने चलाई नहीं है, इसलिए भी इसकी इसका पता नहीं है। तो
इसीलिए भी मैं उसको अंदर करना भूल गया था। चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ जी आ गए हो। ओए होए हो तो भाई आज तो मैंने सही सी इधर से मैं गाड़ी लेके आया हूँ। अरे जब मैं लास्ट बार इधर आया था ना तो भाई तब बहुत मसला बना था मेरे लिए, क्योंकि तब इसके अंदर गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, हंगर स्टेशन वाली एक बाइक खड़ी थी, भाई बहुत प्रॉब्लम हुई थी तब। चलो अभी भी थोड़ा मैं आगे इस तरह करके गाड़ी निकालता हूँ। अभी इसमें मसला ये है, ये जो छोटा सा कंटेनर बना हुआ है ना, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये इस कंटेनर की। इनका ये छोटा मोटा इधर वेयर हाउस इन्होंने बनाया हुआ है मस्तोदा, और पीछे फुल मसला भाई शीशे के अंदर देखो, वो देखो गाड़ियाँ भी आई हुई हैं पीछे से। तो भाई इन सोड़ी सोड़ी जगहों से भी जाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। मतलब पीछे वाले डबल इंडिकेटर लगा हुआ और मैं आराम आराम से जा रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि भाई पीछे से कोई आके मेरी गड्डी की चुम्मी ना ले ले। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, चल भाई बाय बाय ते टाटा तेनु। इधर सब निकल रहे हैं। मज़े की बात ये है, मेरा जो है ना पैकेज ख़त्म होने वाला है, अब लास्ट कस्टमर है उसके उधर जाके बंद उतारने, बस तीन तीन कार्टन फिर हम फ्री। चलो भी निकलते हैं इधर से, आ जाओ। हाँ जी जद्दे दियाँ वड्डियाँ वड्डियाँ बिल्डिंगा वड्डियाँ वड्डियाँ बिल्डिंगा। अपनी कंपनी का हेड ऑफिस अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला है। ये भी नहीं है, ये जो ग्रीन ग्रीन ग्लासेस वाला है ना, ये इस बिल्डिंग में भी हमारा हेड ऑफिस है अभी हमारी कंपनी का। मैंने आपको दिखाया था ना मदीना वाली फर्स्ट मदीना की सीरीज में जो फर्स्ट एपिसोड थी उसमें आपको दिखाया था ना, तभी हम वहाँ से ही गुजर रहे हैं। ये है कुबरी मुरब्बा, ठीक है, इस कुबरी मुरब्बा से यू टर्न मारोगे आगे आ जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हमारे ऑफिस आओ और इधर वैकेंसी है, वैकेंसी वैकेंसी कोई नहीं है, ठीक है, अभी जॉब कोई नहीं दे रहे, हाँ ऐसे चक्कर नहीं लगाना इधर। तो भाई कार्ड हमने ले लिया 50, 100, 50, 120 मतलब 23, 170 रहेगा अभी टोटल। तो भाई कार्ड हमने ले लिए हैं, अभी खाना खाते हैं भाई ये इस होटल पे, मतलब पिशावरी पे, क्योंकि भाई नाश्ता भी नहीं किया हमने, ठीक है, भूख बहुत लगी हुई है। तो भाई जल्दी जल्दी से कार्ड डाल लेते हैं क्योंकि हमारा पैकेज ख़त्म होने वाला है। ये ना भाई पैकेज मुक जाए भाई। 170 रियाल बैलेंस आएगा, लेकिन 195 रियाल के कार्ड आए हैं, ठीक है, मतलब कि 15 रियाल टैक्स होता है टैक्स। तो भाई खाना हो चुका है अपना, कद्दू मंगाया भाई कद्दू, ठीक है, ये सिंगल प्लेट यार इन्होंने बहुत छोटी दे दी है इस बार। चलो चेक करते हैं यार, साथ में भी लस्सी है, ठीक है, सब्जी सब्जी है, सब्जी खाओ जान बनाओ। हाँ जी तो भाई लोग हमने खाना खा लिया, अभी भाई जा रहे हैं घर, कोई यार नींद करते हैं। रात हम मदीना से वापस आए थे तकरीबन रात 3 बजे सोया, 4 बजे नींद आई, 5 बजे फिर नमाज के लिए उठा, फिर 6 बजे 7 बजे फिर उठ के काम पे आ गया। तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं भाई, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। बाकी भी
व्हाट्सएप चैनल का लिंक लाजमी जाओ भाई, फॉलो मालो शेलो कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब देख लिया बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, अल्लाह हाफिज़।